अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। मामला थाना रसूलपुर क्षेत्र के नैनी ग्लास के पास का। यहां एक महिला को चाकू मार दिया गया। महिला के परिवार वाले महिला को लेकर जिला अस्पताल लाए, वहीं डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस महिला के परिवार वालों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि महिला अपने मायके में पिछले कई दिनों से रह रही थी। आज उसका पति और देवर आया, इसके पति ने इसको चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस जांच में जुटी। देखिए हमारी संवाददाता राया यादव की ये रिपोर्ट। अफसाना ये रजिया कौन लगती है आपकी? नंद। तो क्या बात हुई, किसने मारा इसको? इसको उसके शौहर ने मारा, जुनेद ने। और सोहिल देवर ने। 2 साल से इसका मुकदमा भी चल दिया डबराई के अंदर। परसों आगरा गई, आगरा ही केस करा जाके लेडीज थाने में भी और पुलिस चौकी में भी, सदर उसमें थाने में भी। कहने लगा मैं तेरा केस करवाऊँ तो कितने केस करेगी, तेरे केस में करवाऊँ। घर में आके उन्हें घुस के और तुम्हारा हमें मालूम पड़ी, हम भाग के गए। जब तक हमारा लड़का यहाँ लेके आया, यहाँ छुड़ी या वो अकेले थे और भी लोग थे उनके साथ? एक इसका भाई। ससुराल कहाँ है इनकी? शहीद नगर आगरा। में रजिया नाम की है, 27-28 साल की उम्र है। थाना रसूलपुर का मामला है। हमारे पास वो मृत अवस्था में आई थी, बताया जा रहा है उसके परिवार जनों ने बताया उसकी चाकू मारकर हत्या की।